अहमदाबाद में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर सीरीज अपने नाम की। भारत ने इंग्लैंड को एक पारी और 25 रनों से हराया। दूसरी पारी में अश्विन और अक्षर पटेल ने 5-5 विकेट झटके। बीजेपी में शामिल हुए पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता। दिनेश त्रिवेदी के बीजेपी में शामिल होने के मौके पर बोले जेपी नड्डा, कहा दिनेश त्रिवेदी अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन गलत पार्टी में थे। वहीं दिनेश त्रिवेदी ने बिना नाम लिए टीएमसी पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल में सिर्फ एक परिवार की सेवा होती है। कल कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में पीएम मोदी की मेगा रैली की तैयारियां जोरों पर हो रही हैं। आज बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल बीजेपी के नेताओं के साथ ब्रिगेड मैदान में तैयारियों का जायजा लिया। कोलकाता में मोदी की रैली से पहले टीएमसी की पोस्टरबाजी। कल जिन रास्तों पर मोदी जाएंगे वहां टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के पोस्टर लगाए। असम में चाय बागान में काम करने वालों को लुभाने में जुटी कांग्रेस। असम में चाय बागान में काम करने वाले मजदूर के घर पहुंची प्रियंका गांधी, परिवार की महिला से काफी देर तक बातचीत की। उत्तराखंड में राजनीतिक हलचल तेज। मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें। बीजेपी हाईकमान की तरफ से दो पर्यवेक्षक अचानक उत्तराखंड पहुंचे। कोर कमेटी के साथ बैठक के लिए रमन सिंह और बीजेपी के महासचिव दुष्यंत गौतम देहरादून में। मुकेश अंबानी विस्फोटक केस में कार मालिक मनसुख हिरेन की मौत डूबने की वजह से हुई। पोस्टमार्टम की प्राथमिक रिपोर्ट में सामने आई बात। ठाणे पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी गई। अब दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड होगा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान। 2020-21-22 में कई स्कूलों में नए बोर्ड के तहत होगी पढ़ाई। दिल्ली में अब तक सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ही थे। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने के बाद आज किसानों ने कोंडली मानेसर हाईवे जाम किया। ट्रैक्टरों के साथ हाईवे पर बैठे किसान। यूपी के मुजफ्फरनगर में कृषि कानूनों के समर्थन में किसानों की पंचायत में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान बोले, अगर किसी उद्योगपति ने किसान की जमीन छीनी तो सबसे पहले इस्तीफा दे देंगे। कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसान 8 मार्च को मनाएंगे महिला दिवस। इस मौके पर किसान आंदोलन की कमान संभालेंगी महिलाएं। हरियाणा के झज्जर में छात्रा के सवालों से भागे किसान नेता राकेश टिकैत। छात्रा के सवालों का जवाब देने की बजाय माइक छीना। छात्रा ने पूछा आखिर धरने का समाधान कब तक निकलेगा। गुजरात के केवड़िया में 3 दिवसीय सेना कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सीडीएस तीनों सेनाओं के प्रमुख समेत कई सैन्य अधिकारी होंगे शामिल। इनकम टैक्स के छापे पर तापसी पन्नू का तंज। ट्विटर पर लिखा, शायद पेरिस के बंगले की चाबी ढूंढ रहे थे अफसर, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी है नजदीक। अगले साल आजादी की 75वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कमेटी गठित। 259 लोगों की समिति में ममता बनर्जी भी शामिल। महाराष्ट्र में नागपुर के एम्स में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनकी पत्नी कंचन गडकरी ने लगवाया कोरोना का पहला टीका। वैक्सीन लगवाने के बाद गडकरी बोले, वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित। जम्मू कश्मीर के डोडा में चिनाब नदी में 2 दिवसीय वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का आगाज। राज्य में रोमांचक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है आयोजन। जम्मू कश्मीर में सेना को आतंकियों के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी। रियासी में आतंकियों के ठिकाने का भंडाफोड़। भारी तादाद में हथियार बरामद। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।